Good morning to all teachers and respected all there present. I am Bharti Gaur. पहली बार आज पेरेंट्स मैं स्पीच दे रही हूँ मेरे भाई की ओर से जो हॉस्टल में रहता है. मैंने भी हॉस्टल लाइफ बिताया है और आज मेरा भाई कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल में पढ़ के यहाँ का हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि वो यहाँ का हॉस्टल लाइफ अच्छी तरह से बिता रहा है. क्योंकि जब वो घर जाता है तो हॉस्टल के बारे में बहुत सारी बातें करता है और बोलता है कि हमको घर नहीं आना है, हमको हॉस्टल में ही रहना है. जस्ट बिकॉज कि हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, टीचर्स इतने अच्छे होते हैं, गाइड करते हैं और तरह तरह के चीजें सिखाते हैं जो कि हमें घर में बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता. तो मैं वही आज बताने जा रही हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है हॉस्टल का. तो मैं अपने भाई को और मेरा एक भतीजा भी यहीं पढ़ता है तो उन दोनों के मैं यही चीज बोलती हूँ कि हॉस्टल में सब कुछ सीखो, टीचर्स की बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें सीखो, पढ़ो और खेलो, सबसे ज्यादा एक्टिविटी सब में भाग लो ताकि तुम लोग आगे जाकर कुछ भी करो तुम लोग को उससे मोटिवेशन मिलेगा. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हॉस्टल बहुत अच्छा होता है और हॉस्टल में आपको घर की कमी कभी महसूस नहीं होती है. आप जब अच्छे से हॉस्टल में रहोगे तो आपको हॉस्टल भी घर के जैसा लगेगा. तो एज अ पेरेंट्स मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को अगर हॉस्टल में रखोगे तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका बच्चा हॉस्टल में रह के अच्छा इंसान ही बनेगा. धन्यवाद. बच्चों को हॉस्टल में रखना अगर सच पूछा जाए तो किसी के पेरेंट्स की ये दिली इच्छा नहीं होती कि वो हॉस्टल में अपने बच्चों को रखें. लेकिन मैं उन पेरेंट्स को बहुत ही समझदार समझता हूं और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स ये समझ जाते हैं कि उनका जो समय बच्चों को मिलना चाहिए वो किसी कारणवश अपने क्रियाकलाप या जिस भी क्षेत्र में वो हैं नहीं दे पाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को वक्त पर समझ जाते हैं तो बच्चों को जो सही शिक्षा और मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो सही समय पर मिल सके इसके लिए वो पेरेंट्स जागरूक होते हैं और बच्चों को पहले ही हॉस्टल में डाल देते हैं ताकि जो कमी वो अपने साथ रख के बच्चों को नहीं दे सकते हैं वो हॉस्टल में कम से कम उनको मिल जाएगा. हाँ, वो ममता, वो वात्सल्य जिसकी कमी बच्चों को हमेशा खलेगी उसकी तो भरपाई कभी नहीं की जा सकती. लेकिन अगर हम समय रहते बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं या उनका ध्यान रखने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर देते हैं तो ये बच्चों के साथ इंसाफ होता है. वरना आप बच्चों को अपने साथ रखते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते. ये जिम्मेदारी समझकर ही और इसी कमी को पूरा करने के लिए पीएनएस हॉस्टल की स्थापना की गई थी और आज हम इस स्तर पर पहुंचे हैं कि हम हॉस्टल डे मना रहे हैं. बच्चे अब तैयार हैं अपनी अगले प्रदर्शन के लिए. मैं चाहूंगा सतीश से कि उनको बुलाएं. थैंक यू सर. नाउ नेक्स्ट I'd like to call Bosen and group for an act which depict disabled people. Bosen and group, please come on the stage. कोई ना करे पेरेंट्स, ये आपके ही बच्चे हैं, इनका उत्साह बढ़ाएं. और विजन का होना बहुत जरूरी है तभी आप आसमान
सेंटर जहां एक दिव्यांग लड़की प्रिया जो आंखों से देख नहीं सकती सामान्य बच्चों के साथ अपनी कक्षा में पढ़ती हुई। बच्चों सभी अपनी साइंस की बुक बाहर निकाल लो। नंबर 52 निकाल लो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सोलर सिस्टम। अच्छा बच्चों ये जो फर्स्ट पेज पे पहली पिक्चर दिख रही है इसे क्या कहते हैं कौन बताएगा? आया हूँ सर गैलेक्सी। वेरी गुड यार उसे क्या प्रिया तुम्हारी वाली बुक स्कूल में अभी अवेलेबल नहीं है जब आ जाएगी मैं दिला दूंगा। ओके सिट डाउन। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा बच्चों ये जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी प्लैनेट दिख रही है इसका नाम क्या है? आदि रॉन्ग आंसर। प्रिया जब आपसे पूछा जाए तब बताइएगा। नाउ सिट डाउन। तो आंसर मैं ही बता देता हूं उस सबसे बड़े प्लेनेट का नाम है सड़ा। प्रिया फालतू की बातें मत करो। बच्चों कल संडे है और स्कूल की तरफ से हम सभी पिकनिक पर चल रहे हैं। प्रिया कल आपकी छुट्टी है आप घर पर आराम करो। अरे कैसे जाओगे पिकनिक? वहां बहुत पैदल चलना पड़ेगा और रास्ता भी खराब होगा। मम्मी पापा तो है नहीं तुम्हारे मैं कोई लिफ्ट नहीं लेना चाहता। देखो बेटा बिना किसी सहारे के चलना सीख लो फिर पिकनिक पर चलना। मैं तो हमेशा कहता हूँ बिना किसी सहारे के लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रिया के घर का जहाँ उसे बार बार जताया जाता है कि वह एक दिव्यांग है जो सामान्य लोगों की तरह अपने जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। Thank you.
सारी बाधाओं को पार करके प्रिया ने खुद की एक संस्था शुरू की, जिसका लक्ष्य था गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना जिन्होंने अंधेरे को ही अपना जीवन मान लिया था। तीसरा दृश्य, जहां कुछ सामान्य लोगों का दिव्यांग लोगों के प्रति व्यवहार, कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक। अरे ये तो हमारा परिचित है, ये शायद तुम्हें देख रहा है। चलो इससे मजा लेते हैं जरा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरे तुम बोल नहीं सकते हो क्या? भैया रात वाले बस कब आती है? भैया रात वाले बस कब आती है? आप लोगों को पता है क्या रात वाले बस कब आती है? अरे क्या हुआ भैया? अरे इसके कान में तो पहले से हेडफोन लगा है। ए भगवान, मैं किससे बात कर रहा था, मेरा सारा समय बर्बाद हो गया। हे भगवान, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, भला इस दुनिया में इन जैसे लोगों का क्या काम है? भगवान भला करे। चौथा दृश्य, जहां कुछ पेरेंट्स भी अपने दिव्यांग बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते और उन्हें बोझ समझने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दिव्यांग बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते और उन्हें बोझ समझने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अरे उसने पर डांटी है, उसमें उसका क्या कसूर है? वो तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। कसूर तो मेरी किस्मत का है, जो ये मेरे घर में पैदा हुई। मुझे तो आपने आप पर शर्म आता है जब ये मुझे पापा कहती है। जैसी भी है, आखिर बेटी है हमारी, से समझने की कोशिश कीजिए। पांचवा दृश्य, अस्पताल का, जहां एक दिव्यांग लड़की सामान्य लोगों की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझती हुई। यह दृश्य एक अस्पताल का है। जहां एक दिव्यांग लड़की अपनी जिम्मेदारियों को समझती हुई दिख रही है। अरे कितनी प्यारी और समझदार बच्ची है, किसकी बच्ची है? ये मेरी बेटी है जेनी। अरे तुम आसानी से चल नहीं सकती,
शाबाश बेटी, हमें तुम पर नाज है बेटी, हम तुम्हें इनके साथ अवश्य भेजेंगे। छठा दृश्य पार्क में, जहां दिव्यांग लोगों के बीच का वार्तालाप। दृश्य एक पार्क का है जहां दिव्यांग लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। सातवां दृश्य, जहां प्रिया दिव्यांग लोगों को दे रही है अपने संस्थान में जुड़ाकर शिक्षा दे रही। एक परिवार को समझाते हुए कि दिव्यांग भी एक सामान्य जीवन की जिंदगी जी सकते हैं, उन्हें सम्मान और सराहने की आवश्यकता है। अच्छा, तो आप वही हैं जो इस जैसे अंधे बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्या सिखाएंगे इन्हें?
अद्भुत 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 इस हृदय स्पर्शी प्रदर्शन के लिए सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। और ये हमें एक बात जो हम भूल चुके हैं वो याद दिलाता है कि समाज में हम जो सभी अंगों से सुसज्जित हैं, हमारे बीच कुछ लोग दिव्यांग भी हैं। समाज के सभी लोग जो आज किसी पद पर किसी स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इनका सहारा बने और इनके आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए इनकी मदद करें। कई बार ये लोग इसलिए हताश नहीं होते क्योंकि इनके पास अंगों की कमी है, ये हताश इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें उचित आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का मौका नहीं मिलता। अब हम अपने अगले प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए सतीश से कहूंगा कि वो इस मंच के भार को संभाले और आगे बात बढ़ाए। थैंक यू सर। एवरी न्यू विजिटर कम्स फ्रॉम सम अदर बिल्डिंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ओकेजन फॉर व्हिच वी आर गैदर्ड हियर। सो प्लीज वेलकम जेनी एंड ग्रुप फॉर अ डांस।